दोस्तों, मैं हूं सीता काले और आप देख रहे हैं आज की न्यूज। आज की न्यूज में आपका स्वागत है। किन्नौर विधानसभा 2019 चुनाव की तैयारियां जोरों पर नजर आ रही हैं। किन्नौर विधानसभा में कितने उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे? बहुत से उम्मीदवार इस किन्नौर विधानसभा 2019 के चुनाव लड़ने वाले हैं। पहला प्रदीप नाइक, रनिंग आमदार 15 सालों से। दूसरा भीमराव केराम, माजी आमदार। तीसरा संध्या ताई प्रफुल्ल राठौड़, महिला आघाड़ी भाजप। चौथा अशोक सूर्यवंशी, भाजप नेता। पांचवा शिवसेना के ज्योतिबा खर्राटे। छठवा शिवसेना के सचिन नाइक। और सातवा धर्म सिंह राठौड़, ये भी रेस में हैं। ये सब आने वाले 2019 के किन्नौर विधानसभा के इच्छुक उम्मीदवार हैं। देखना है कि इन चेहरों में कौन अपने वोटरों को अपने तरफ खींचता है। किन्नौर में चर्चा जोरों पर है कि इस बार 2019 में कौन कितने पानी में है, ये आने वाला वक्त बताएगा। पिछले 15 सालों से इस आमदार की सीट पर प्रदीप नाइक ने कब्जा किया हुआ है और प्रदीप नाइक को हर बार टक्कर देने के लिए माजी आमदार भीमराव केराम होते हैं। लेकिन इस बार चुनाव में कुछ अलग ही नज़ारा देखने मिलेगा, क्योंकि इस बार आमदार प्रदीप नाइक को झटका लगेगा, ऐसा आसार नज़र आ रहा है। बहुत से लोगों ने कहा है कि इस चुनाव में नया चेहरा आ सकता है। देखते हैं किस्मत किसके साथ है। No, I don't wanna waste what's left. And I-